हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन से अपडेट रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी बीबी क्रीम का रिव्यू जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ ब्राइटन करती है हमारी स्किन को और हाइड्रेट करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने नेम को हाइड किया हुआ है। ये आपके लिए एक टास्क है कि यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद आप इसको पोज करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने इस बीबी क्रीम का नेम गैस कर लिया कि कौन सी बीबी क्रीम है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप नहीं गैस कर पाए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आज की जो बीबी क्रीम है वो है हमारी स्पिंच बीबी क्रीम है ये, जो हमारी स्किन को ब्राइटन करने में और उसको हाइड्रेट करने में क्लेम करती है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी स्किन को लेकर और क्या क्या साइड इफेक्ट लाइक डिसएडवांटेजेस कह लीजिए, ये क्या हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए और किस तरीके से और कब और कैसे अप्लाई करनी है, वो सभी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। अगर हम पैकिंग की बात करते हैं तो स्पिंच बीबी क्रीम का ये मैंने यहाँ पर छोटा सा पाउच लिया है, इसकी एक ट्यूब भी आती है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि हमें ट्यूब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तो आप इस तरीके का छोटा सा पाउच लेके भी इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारी स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें बैक साइड में इंग्रीडियंट एंड डायरेक्शन फॉर यूज यहाँ पर लिखा हुआ है। पैकिंग में कुछ इस तरीके की देखने में सिल्वर लाइक सिल्वर पैकिंग है इसकी यहाँ पर और बैक साइड में सभी वही चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। अगर आप इसकी ट्यूब लेंगे तो वो 52 रुपीज़ में हमें मिल जाएगी जिसके अंदर अमाउंट होगा 15 ग्राम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी स्किन पर वर्क करेगी और क्या क्या बेनिफिट होंगे, किस तरीके का टेक्सचर है, किस कलर की है। तो फिलहाल मैंने भी अभी इसको ओपन नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसको यूज़ करने का। तो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर हम हैंड पर ले लेते हैं इसका। तो एज यू कैन सी इसका टेक्सचर कुछ अलग ही बीबी क्रीम के तरीके से है। लाइक अदर क्रीम्स तो हमारी बिल्कुल फाउंडेशन वाले शेड में होती हैं बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर मुझे कुछ वीक और टर्मरिक क्रीम जैसा लग रहा है। बट अगर हम इसके टेक्सचर की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ, लाइक म्यूज़ फाउंडेशन जिस तरीके के होते हैं समथिंग लाइक दैट है बट नॉट अ फाउंडेशन। तो इसको अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद जो मुझे फील हुआ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसने एकदम से मेरे हैंड को ब्राइटन कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक साइड में जहाँ पर मेरा ब्रेसलेट है वहाँ की और आगे की स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसने एकदम इंस्टेंट मेरी स्किन को ब्राइटन कर दिया है। एंड जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड मुझको लगा एंड शीर कवरेज इसने दिया, लाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ इसने मेरे हैंड्स को बना दिया। तो दोनों ही हैंड्स में आपको डिफरेंस दिख गया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, देखिए जिस हैंड पर मैंने इसको अप्लाई किया है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन हो गया है। इससे पता चलता है कि ये जो क्रीम है ये हमारे लाइट डिस्कलरेशन, जो हल्के बहुत कहीं पर भी दाग धब्बे हैं लाइट हल्के बहुत लाइट है, उनको कम कर देगा, डलनेस को दूर कर देगा और हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, विच आई फील इन दिस बीबी क्रीम। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड है, ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हमारे स्किन को कर देगी या फेस को कर देगी। वेलवेट लाइक टेक्सचर है एंड ये बिल्कुल भी हमारी स्किन को ना तो ड्राई कर रही है ना ऑयली कर रही है। और जो इसके अंदर मेन चीज़ थी जो SPF के बारे में बताया गया था, बैक साइड में इंग्रेडिएंट में तो मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो सनस्क्रीन का मेन इंग्रेडिएंट होता है, बट वो मुझे इसके अंदर इतना फील नहीं हो रहा। जो डिफरेंस मुझे सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिला, इसने हमारी स्किन को एकदम इवन कर दिया है। लाइट डिस्कलरेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उसको ये थोड़ा सा हाइड कर देगा बट ये फाउंडेशन जैसा वर्क नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इस बीबी क्रीम के एडवांटेजेस की जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगा, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड यस, उससे पहले ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अच्छी तरीके से फेस को क्लीन करने के बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए। एंड नॉर्मल स्किन टाइप के लिए भी एक बेस्ट है क्योंकि टी जोन एरिया पर भी ज़्यादा देर ऑयल नहीं आने देती बट 2 घंटे बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। नाइस है, अफोर्डेबल रेंज में है एंड जो शेड है इसकी सब स्किन टाइप पर एडजस्ट हो जाती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है और बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट हमारे फेस पर नहीं देती, इंस्टेंट फ्रेशनेस एंड ब्राइटनेस हमारे फेस पर देती है और बिल्कुल भी केकी नहीं लगती। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको अपने हैंड पर अप्लाई किया है तो ये बिल्कुल भी केकी वाला फील नहीं करा रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी पैची एंड केकी लुक आपके फेस पर नहीं देगी। अगर आप कोई इस तरीके की क्रीम चाहते हैं जो आपकी स्किन को हल्का बहुत ब्राइटन कर दे, इंस्टेंट गोरा कर दे,
तो अफोर्डेबल रेंज में स्पिंच की बेबी क्रीम आप ये यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट है। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये बिल्कुल भी फाउंडेशन जैसा वर्क नहीं करती है, सो ये नॉर्मली लाइक डेली रूटीन वाली क्रीम आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने हैंड से इसको ब्लेंड किया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर लीजिए। और इसके अंदर कोई भी SPF नहीं है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये केवल 2 घंटे तक तो हमारे फेस पर लगी रहती है, उसके बाद आपको ये रीअप्लाई करनी पड़ेगी और इसके ऊपर से आपको सनस्क्रीन लोशन भी लगाना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर सन में जा रहे हैं तो आपको इसको लगाना पड़ेगा, नॉर्मली भी आप लगाते ही हैं। सो इसी के साथ बहुत सारी बेबी क्रीम की रिव्यू की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, लिंक उसका आई बटन पे है, आप उसको चेक करके ज़रूर देख लीजिए। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करते जाना, साथ में ही इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो एंड ये रिव्यू कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।